सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिडीम कोड क्यों नहीं आ रहा है, या फिर कोई न्यू रिडीम कोड आया है या नहीं आया, और आप जो है M416 ग्लेशियर स्किन को किस तरीके से फ्री में ले सकते हो। ठीक है, M416 ग्लेशियर स्किन को आप किस तरीके से फ्री में ले सकते हो, और आप करेक्टर वाउचर और जो भी न्यू इवेंट एक आया है डम्मी वाला सूट, तो आप उसको जो है किस तरीके से फ्री में ले सकते हो। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें किस तरीके से फ्री में ले सकते हो, आपको कैसे मिल सकती हैं, तो वो जानेंगे इस वाली वीडियो में आज हम। गाइस, आप मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इस वाली वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें बकचोदी तो मैं नहीं करने वाला फ्री की, कुछ ना कुछ आपके काम का ज़रूर होगा। और जो क्रिएटर देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पर, वो भी मैं इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लें, और आप लोग भी इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। ठीक है, तो यार आजकल यूट्यूब पे जो है इतनी ज़्यादा गंदगी चल रही है, बहुत ज़्यादा। क्या मैं आपको बताऊं, क्या पता नहीं कि आप लोग भी किस तरीके से उन्हें फॉलो करते हो, क्या करते हो, इतनी गंदगी चल रही है बहुत ज़्यादा। और ये क्यों चल रही है, इसका रीज़न क्या है कि आप लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है। अब आप लोग देखो, तीन चार चीज़ें आपको यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। टुडे न्यू रिडीम कोड, जो कि अब रिडीम कोड आता नहीं है। ठीक है, रोज़ रिडीम कोड नहीं आता। मैं वीडियो मैंने रिडीम कोड पर काफ़ी दिन से नहीं बनाई, क्योंकि कोई न्यू रिडीम कोड आ नहीं रहा। फिर भी एक दिन में कम से कम 100 से 150 वीडियो बनती होगी इस तरीके से कि जिसमें आपको बताया जाता है टुडे न्यू रिडीम कोड। जब वीडियो खोलोगे, खोल के आप ओपन करोगे, तो उसमें देखो कुछ और आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ और आपको मिलेगा, और आपको जो है करेक्टर वाउचर बहुत सारे बंदे करते बिल्कुल फ्री में थंबनेल में चिपका देते हैं कि आपको करेक्टर वाउचर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। ठीक है, बट गाइस, जब आप वीडियो खोलते हो, ओपन करते हो, तो अब आपको VPN बताते हैं। जो आप VPN लगा लेते हो और सर्वर में लेते हो, तो जाके देखते हो कि आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, बट आपको लगता है कि आपने गलत कनेक्ट कर दिया होगा या ऐसा कर दिया होगा, और वो बंदे मेरे को नहीं मालूम क्या करते। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ अभी एक यूट्यूबर था, इमरान कुछ ऐसे नाम था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, कुछ ऐसे नाम था उसका। वो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता था कि करेक्टर वाउचर फ्री। हर एक डेली की वीडियो उसका यही लगा था, और VPN आप लोगों से वो कनेक्ट करवाता था, और वहाँ पर आप लोगों को ले जाता था। ठीक है, और वहाँ पर कुछ एडिटिंग करके इवेंट के अंदर आपको करेक्टर वाउचर फ्री में दिलवाता नहीं था, स्कैम करता था आपके साथ। वो सबको मालूम था, वो बंदा स्कैम करता था। ठीक है, आपके साथ, बट आप लोग भी जाके ट्राई करते थे, या फिर चंद UC के, सिर्फ वह थोड़े बहुत UC का या फिर रोल पैसा की वापस कर देता है। आप लोग एक चीज़ सोचो, जो बंदा आपको लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम कर सकता है, तो वो आप लोगों को रोल पास या UC देगा? वो तो अपनी ID में ही ले लेगा भाई। वो इतना बड़ा जब स्कैम कर रहा था, तो वो क्या आपको लोगों को देगा? ठीक है, वो अपनी ID में ले लिया। अब वो बंदा सुधर चुका है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, अभी 1 लाख सब्सक्राइबर थे उसके हो गए, तो वो बंदा सुधर गया। ठीक है, लेकिन वो सुधर के उसके सुधरने से फ़ायदा क्या? वो अब कैसे भी वीडियो डालेगा तो उस पर 1 से 2 से 3 4 5 हज़ार व्यूज़ आ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो सुधर गया, और वो यहाँ पर आया यूट्यूब पर आने के बाद उसने कितने बंदों को बिगाड़ दिया। ठीक है, वो सुधर गए, ठीक है, लेकिन उसने कितने बंदों को बिगाड़ दिया। ठीक है, उसे देख के और सारे बंदे इस तरीके से यूट्यूब पर आए भाई लोग। ठीक है, उसे देख के स्कैम करने लगे, जो कि सिर्फ थोड़े और व्यूज़ के लिए कुछ बंदे आए और स्कैम करने लगे, उसी की तरह थंबनेल चिपकाने लगे, कुछ ना कुछ करने लगे। ठीक है, मैं एक उसी का एग्जांपल नहीं दिया कि मैं उसी को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, उससे ऐसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। तो अभी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अभी यूट्यूब ओपन किया, तो मैंने एक वीडियो देखी, दम्मी वाला आउटफिट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले यूट्यूब पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो गाइस, मैंने YouTube को ओपन करा और आपके सामने एक चैनल है। ठीक है, तो मैं इसका नाम जो है हाइड कर दूंगा, आप लोगों ने दिखाऊंगा। मैं इसको कोई भी प्रमोट नहीं करना चाहता इस तरीके का कि आप लोग जाए इसकी वीडियो को या किसी को देखो जाके। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस बंदे के सारी की सारी वीडियो आप लोग देखो। सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी वीडियो में सिर्फ यही है, और सब में स्कैम कर रहा है। अभी ने एक वीडियो अपलोड कर दी, इसमें आपको आउटफिट मम्मी सेट बिल्कुल फ्री में दिलवा रहा है इवेंट्स के अंदर। भाई बिल्कुल भी यार दिमाग नहीं होता, जाने क्या कर रहे हो भाई। ये डा मम्मी सूट आपको बिल्कुल फ्री में, और 5 मिनट में उस पर बन के प्लस व्यूज आ गए हैं। अभी भी वो वीडियो चली रही है उसके, और मैं लाइक और डिसलाइक हाइड कर रखे, आप ये डालना आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत वीडियो मिल जाएगी आपको ये वाली, बट मैं जिसके चैनल का नाम यहाँ से नहीं दिखाने वाला आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आप लोग जाके खुद देख लेना, क्या फ़ायदा मैं उसको प्रमोट करूँ, फिर आप लोग जाके देखोगे। वो थोड़ी बहुत यूसी के बाद रखते हो, उसके चक्कर में आप लोग उन्हें सब्सक्राइब कर लोगे और सब कुछ कर दोगे। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अभी भी देखो 2-3 दिन हो चुके हैं, कोई भी रिडीम कोड नहीं आया है। ठीक है, कोई भी रिडीम कोड नहीं आया है, और यहाँ पर मैं आपको
मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टुडे न्यू रिडीम कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्च करा, सर्च करने के बाद अब आप लोग देखोगे मैं यहाँ से टुडे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टुडे सेलेक्ट करता हूँ कि आज कितनी वीडियो बनी है इस तरीके की। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे इस, लेकिन कोई भी रिडीम कोड नहीं आया। हर आप लोग देखो देख सकते हो हर टाइटल में लिखा टुडे न्यू रिडीम कोड, टुडे न्यू रिडीम कोड। भाई ऐसी डेली हज़ारों वीडियो बनती हैं, मेरे हिसाब से हज़ारों सौ वीडियो ऐसी डेली बनती हैं जिसमें आप लोगों के साथ स्कैम किया जाता है और कोई भी रिडीम कोड नहीं आता अभी तक, ठीक है। कोई भी रिडीम कोड नहीं आता, बट थंबनेल में आपको देखो हर किसी थंबनेल में आप लोगों को एम4 ग्लेशियर दिख रही है यहाँ पर फ्री में M4 ग्लेशियर। भाई घंटा मिलेगी M4 ग्लेशियर, ये बताओ। जो चीज़ें क्रेट में आपको मिल रही है, ठीक है, लोग लाखों से यूसी खर्च कर रहे थे उनको नहीं मिलती, आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी M4 ग्लेशियर। तो इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैं सर्च करता हूँ फ्री रीनेम आर्टिकल, ठीक है। तो देखो मैंने फ्री रीनेम आर्टिकल सर्च करा, बाद मैं टुडे यहाँ पर, उसके बाद मैं टुडे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, मैंने यहाँ पर अप्लाई, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर टुडे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। टुडे के अंदर देख सकते हो आप कितनी वीडियो बनी है, फ्री रीनेम आर्टिकल, बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी है, क्योंकि इन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है। इसीलिए जिसको भी देखो भाई व्यूज़ थोड़े बहुत व्यूज़ के चक्कर में VPN कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी ठोक दे रहा है, कुछ भी आपको बता दे रहा है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बंदे सही भी हैं जो आपको सही ट्रिक बताते बताते हैं। आप कुछ लोग एक्सपोज भी करते हैं, ठीक है, एक्सपोज करते हैं किसी भी यूट्यूबर को या किसी को भी एक्सपोज करते हैं कुछ बंदे, तो यार उनके साथ आप चैनल दिखा देते हैं। देखो यार चैनल दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं उनका, उनका आप चैनल दिखा रहा हो तो आपके बंदे जाएंगे, आपकी ऑडियंस जाएगी वहाँ पे, उनके चैनल को देखेगी जाके, ठीक है, उनके चैनल को देखेगी जाके, तो वो भी उनके व्यूज़ काउंट होंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे उनके अच्छे, और कुछ बंदे यूसी के लालच में सब्सक्राइब भी कर लेंगे उन सभी लोगों को, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब ये सिर्फ एक ही रास्ता है, आप जिसके भी थंबनेल में या टाइटल में देखो कि भाई देखो जब भी कोई कुछ बंदे हैं जो कि रिडीम कोड या फिर कुछ भी न्यू आता है जो कि वर्क करता है तो आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग सर्च करो तो आपको बहुत से ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कि रियल वीडियो भी बनाते हैं। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो, आप उसके रिडीम कोड देखो, ठीक है, जो आपको जेन्युइन रिडीम कोड दे, या फिर अदरवाइज़ देखो ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जिससे आपको M4 ग्लेशियर स्किन बिल्कुल फ्री में मिल जाए, ठीक है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से फ्री में मिले। कभी भी ध्यान रखना, आपको इवेंट आपको जो है इसके मैसेज के अंदर से M4 ग्लेशियर की स्किन नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को चांस, जो कि ज़्यादा पॉपुलर लोग होते हैं उन्हीं को मिल जाते हैं कभी कदार। वो भी तो किसी को शायद एक को मिली थी यूट्यूबर को, मुझे नाम नहीं पता उसका, तो मिल जाती है। अब यहाँ पर M4 ग्लेशियर स्किन का वो लोग किस तरीके से स्क्रीन शॉट बनाते हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आप लोग शॉप में जब आओगे तो आपको यहाँ पर गड़े मिल जाएंगे काफ़ी सारी, ठीक है, काफ़ी सारी आपको गन्ने मिल जाएंगी, और यहाँ से वो स्क्रीनशॉट उठाते हैं और वहाँ पे चिपका देते हैं, आपको इसी तरीके से एडिटिंग करके आपको वीडियो बना के भी दिखा देते हैं, ठीक है, और आप लोग उस समझ लेते हो कि वो रियल है। बट गाइस अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा ध्यान से देखोगे कि अगर हम कुछ क्रेट ओपनिंग करते हैं किस तरीके दिखता है, तो इवेंट्स में कभी भी M4 की स्किन कोई मिलने वाली नहीं है। बट आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हो, आप लोग सर्च कर लेते हो उस पर और उनकी वीडियो पे क्लिक कर देते हो और देख लेते हो जाके वीडियो, बट उसके अंदर आपको वही लॉट घूम के वही VPN लगाओ, ये करो वो करो, ये सब बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, VPN लगाओ, ये करो वो करो। अब ऐसी वीडियो पे अगर हम चाहें तो उनके चैनल पे कुछ ही करें, रिपोर्ट मारो, कुछ करो, कुछ नहीं होगा उनके चैनल पर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके चैनल पर, ठीक है। वो वीडियो बनाते जाएंगे, आप लोग देख रहे हो तो बनाते जाएंगे, बट आप लोग ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, आप लोगों को अपने अंदर से लालच को कम करना पड़ेगा। आप लोग 20 30 60 40 UC के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ चले जाते हो उनके चैनल पे, लाइक कर देते हो वीडियो को, ठीक है, कुछ बंदे तो लाइक भी कर देते हैं उनकी वीडियो को इसी चक्कर में यार, बट वरना तो वो लाइक डिसलाइक हाइड ही रखते हैं अपने, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो ज़्यादा इस तरीके से कर रहा है तो वो कमेंट को भी डिसेबल कर देता है अपनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है उनको। तो इसी बात पे और जो क्रिएटर हैं जो कि मेरे बराबर या और भी, देखो अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो और गलत कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोचते हो इस चीज़ों को मैं सब्सक्राइबर ले लूँ, एक लाख या 1.5 लाख सब्सक्राइबर ले लूँ मैं, फिर उसके बाद ये चीज़ बंद कर दूँगा, वीडियो को प्राइवेट कर लूँगा या फिर ऐसा वैसा करूँगा, ठीक है। तो देखो आप लोग इस चीज़ को सोचो कि आप ऐसा करोगे, आपको जाने के बाद आपको देख के कितने ज़्यादा यहाँ पर यूट्यूबर आएंगे, ठीक है, जो आपको इस तरीके से बताएंगे
ऐसे ऐसा स्कैम करेंगे, आपको देखिए कितने आ रहे हैं, आप सुधर जाओगे, लेकिन आपके कारण यहाँ पर कितने ज़्यादा यूट्यूबर आ रहे हैं जो कि अभी आप लोग देखोगे बिगनर यूट्यूबर। मैं आपको फिर से यूट्यूब पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जो अभी आप लोग देखोगे बिगनर यूट्यूबर हैं कुछ जो कि न्यू आप लोग देखोगे। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँ टुडे न्यू रिडीम कोड, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वर्ष में लगाया था जिनके अभी जिन्होंने चैनल स्टार्ट किए हैं वो भी स्कैम करने लगे, कुछ लोगों को देख देख कर, ठीक है, जिन्होंने चैनल स्टार्ट किए हैं वो भी स्कैम करने लगे कुछ लोगों को देख देख के। और यहाँ पर जितने आ रहे हैं ना करेक्टर वाचर वाचर कुछ नहीं फ्री घंटा मिलने वाला है भाई आप लोगों को। अगर ये करेक्टर वाचर सिर्फ इसी तरीके से फ्री मिलते हैं जब कोई इवेंट्स आता है तभी आपको फ्री मिलते हैं, वरना आपको कुछ नहीं फ्री मिलने वाला है। और इस चीज़ से यही फ़र्क पड़ता है कि अगर आप वीडियो बना के अपने थोड़े बहुत व्यूज पा भी लेते हो तो बट आपको देख के कितने और यूट्यूबर बिगड़ रहे हैं, ठीक है, जो नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो आपको देख के बिगड़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की आप लोग उल्टे उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक करवाते हो, ये वो वेबसाइट बताते हो, उससे यार उनकी आईडी भी बैन हो सकती है, ठीक है, उनकी आईडी भी बैन हो सकती है, आईडी हैक भी हो सकती है पबजी मोबाइल की आप लोगों की। और बस यही था वीडियो, मैंने सोचा मैं इस वीडियो को बनाने वाला नहीं था लेकिन बना रहा हूँ इस वीडियो को मैं, चलो कुछ ना कुछ तो बताते आप लोगों को, थोड़ा शायद कुछ सुधर जाओ आप लोग, वरना तो चलता रहेगा ऐसे ही वो स्कैम करते रहेंगे और आप लोग एक रोल पास के चक्कर में जो कि आपको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट आपको यूसी भी नहीं मिलने वाली, वो भी सिर्फ लड़ोगे अपने आप रीडिंग बोर्ड बना के यूसी कर देते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, बस आप लोगों को ये चीज़ कम करना पड़ेगी, आप लोग उनके चैनल को नहीं देखो। और जो लोग एक्सपोज करते हैं ना भाई, तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक्सपोज करो, उनका चैनल का नाम मत दिखाओ, और रिपोर्ट मरवाने से क्या होगा, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा चैनल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिपोर्ट मरवाने से, अपनी ऑडियंस को भी आप वहाँ पर भेज रहे हो उनका नाम दिखा के, ठीक है, अपनी ऑडियंस को जो हमारी तुम्हारी ऑडियंस है, तो अगर एक्सपोज कर रहे हो तो अपनी ऑडियंस को भी वहाँ पर भेज रहे हो। जो बंदे स्कैम करते हैं वो इस तरीके से नहीं सुधरेंगे, अगर वो सुधरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वीडियो उनकी देखना बंद करना पड़ेगा। अब वीडियो को पहचानने का सिंपल यही है कि यार जो चीज़ हमें इस तरीके से नहीं मिल सकती वो हमें कैसे फ्री मिल जाएगी। अभी मैं रीडिंग कोड के ऊपर वीडियो डाल रहा था तो मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ बंदे मैसेज कर रहे थे कि भाई M416 ग्लेशियर का रीडिंग कोड दे दो। भाई घंटा बनता है रीडिंग कोड, M416 ग्लेशियर का रीडिंग कोड बनता है कोई? यार रीडिंग कोड से मिलती मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी देखो इतनी स्किन्स हैं बट M416 ग्लेशियर स्किन नहीं है मेरे पास, ठीक है, M416 ग्लेशियर स्किन नहीं है, बहुत सारी स्किन है मेरे पास, M416 ग्लेशियर नहीं है। अगर ऐसा कोई रीडिंग कोड आता तो मैं आपको पहले बता देता, लेकिन नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या आप लोग समझते हो कि भाई रिडीम कोड से या फिर किसी वेबसाइट पर जाने हमें फ्री में ये सब सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये चीज़ मेरे भी समझ में नहीं आती कि आप लोग सोचते सोचते कि देखते क्या हो वीडियो में, उन लोगों की वीडियो में क्या देखते हो यार, ज़्यादा देर में 1000 व्यूज़, 2000 व्यूज़, 5000 व्यूज़, इस तरीके से व्यूज़ आते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है वो स्कैम भी करते हैं साथ साथ, और सिर्फ और सिर्फ गिवावे रखते हैं, ठीक है, गिवावे रखते हैं, और यहाँ पर आप गिवावे के चक्कर में आप वीडियो को लाइक कर देते हो, लाइक हो देते हो, कमेंट भी देते हो, भाई बिग फैन ये वो अच्छी अच्छी कमेंट देते हो क्या यार आप लोग, ये सिर्फ होता है लालच की वजह से, लालच की वजह से उन्हें व्यूज़ चाहिए, आपको कुछ ना कुछ फ्री चाहिए पैसा जो कि आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जो बंदा आपके साथ स्कैम कर रहा है वो आपको कोई भी चीज़ आपको फ्री देगा क्या? कोई भी चीज़ फ्री देगा क्या? नहीं देने वाला ना। आप अपने दिमाग से सोचो, जो बंदा हमारे स्कैम कर रहा है इतना बड़ा, हमें कुछ भी कहीं भी वेबसाइट पर भेज रहा है अपने सिर्फ अपने चक्कर में अपना पैसा कमाने के चक्कर में, वो आपको कुछ देने वाला है क्या? कुछ भी नहीं देगा मेरे भाई। फिर भी आप लोग जाके वीडियो को देखते हो, ये वो लाइक सब्सक्राइब कर देते हो, और कहने का बस यही था, मैंने जो थोड़ा चलो आप लोग एक्सप्लेन करते कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े तो शायद सुधर जाओ आप लोग। बट ये देखो किसी यूट्यूबर का तो नहीं कि हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर वो सुधर जाएगा, ठीक है, वो सुधरने वाला नहीं, वो सुधरेगा तो अपनी मर्जी से सुधरेगा। आप लोगों को वीडियो को देखना बंद करना पड़ेगा, बस एक्सपोज करने से भी उन्हें प्रमोट करना हुआ, ठीक है, एक्सपोज करने से भी उन्हें प्रमोट करना हुआ, कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। और आप लिंक देते हो ना डिस्क्रिप्शन में, रिपोर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो भाई रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, कोई रिपोर्ट भी नहीं करता जाके, यानी कितने लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि रिपोर्ट करते कैसे हैं, ठीक है, कितने लोगों को नहीं मालूम कि रिपोर्ट करते कैसे हैं किसी के चैनल पे। बट उनकी भी मेहनत है, वो मेहनत करते हैं, फेक वीडियो बनाते मेहनत करते हैं, तो रिपोर्ट करवाना चैनल लीड हो जाए वो कोई फ़ायदा नहीं। बट आप लोगों को वीडियो देखना बंद करना पड़ेगा, अगर आप वीडियो को देखना बंद कर देते हो तो वो जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो खुद ही वीडियो उस टाइप के नहीं बनाएंगे, या फिर आप लोग चंद यूसी के लिए थोड़े यूसी के लिए उनकी वीडियो को दे देते हो, भाई ऐसी वीडियो पर क्लिक ही मत करो, जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो वीडियो में खुद नहीं बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को सुधारने की कोशिश करो,
उसे एक्सपोज या उसका चैनल डिलीट कर दोगे तो दूसरा बना लेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा, ठीक है चैनल। आप फिर उसको देखने लगोगे भाई, जितना भी ऑडियंस हो सके तो यही समझाओ कि किसी का भी चैनल रिपोर्ट मारने से कुछ नहीं होगा। आज तुम रिपोर्ट मारोगे, कल वो दूसरा बना लेगा, फिर वो डालेगा थर्मल टाइटल जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम, एम फोर ग्लेशियर फ्री में ले जाओ, ये फ्री में ले जाओ, सब कुछ फ्री में ले जाओ, ठीक है, जो जिस ट्रेंडिंग में चल रही है वो सब, ये सब डालेगा वो। और फिर आप लोग देखोगे, फिर वो ज़्यादा नहीं, एक से दो महीने में अपने 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना उसके ऊपर, रिपोर्ट मरवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ ऑडियंस है जो इस चीज़ को कम कर सकती है, ठीक है। वीडियो ना देखे वो ही बंदे इस चीज़ को कम कर सकते हैं, और तो फिर कुछ कहने नहीं है। बस इतना था इस वीडियो में, आप लोगों को मैंने बताया, अगर आपको कुछ भी बात समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि वो भी ऐसे स्कीम में ना फंसें। और बस गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में यार, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई मेरे को नहीं मालूम चला तो। ओके भाई, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।